यूपी विधानसभा चुनाव 4 महीने बाद होनी है, लेकिन चुनाव प्रचार अभी से तेज हो चुका है। सभी विपक्षी दल अपनी चुनावी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं, तो राज्य की सत्ताधारी बीजेपी में चिंतन चल रहा है और इस चिंतन में चिंता भी झलक रही है। चिंता का सबसे बड़ा कारण है विपक्ष द्वारा उसके वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश, जिसमें विपक्ष सफल भी होता दिख रहा है और विपक्ष की इस रणनीति का जवाब देने की कोशिश अब बीजेपी की ओर से शुरू हो रही है। चुनाव के पहले शुरू हुई बीजेपी की ये कोशिश आखिर है क्या, देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राज्य का ब्राह्मण वोट सभी दलों के निशाने पर है। राज्य की करीब 10% आबादी वाला ये वोट बैंक जिस ओर जाएगा, चुनाव में उस पार्टी की जीत की संभावनाएं सबसे ज्यादा हो जाएंगी। पिछले 3 चुनाव इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 2007 में बीएसपी ने दलित ब्राह्मण गठबंधन के सहारे पहली बार यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, तो 2012 में ये प्रयोग समाजवादी पार्टी ने किया। 2017 में जब ब्राह्मण वोट बैंक बीजेपी में लौटा तो बीजेपी 300 के पार चली गई, लेकिन योगी राज में ब्राह्मणों की परेशानी कई बार खुलकर सामने आई। हालांकि सत्ता की ताकत के चलते ये नाराजगी बड़े आंदोलन में तब्दील नहीं हो पाई। ब्राह्मणों की नाराजगी का एहसास बीजेपी को पंचायत चुनाव में हुआ। इस साल पंचायत सदस्यों के चुनाव में बीजेपी पहले नंबर की जगह तीसरे नंबर पर पहुंच गई। वो बात अलग है कि अध्यक्ष पद के चुनावों में बीजेपी की जुगाड़ नीति विपक्ष पर भारी पड़ गई और अधिकांश जिलों में बीजेपी ने अपना अध्यक्ष बनवा लिया। लेकिन अब विधानसभा चुनाव सामने हैं और बीजेपी को चिंता है कि पंचायत चुनावों की तरह ब्राह्मणों ने विधानसभा चुनावों में भी मतदान किया तो बीजेपी के लिए 300 तो क्या 100 पार जाना भी मुश्किल हो जाएगा। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी ने ब्राह्मण मतदाताओं को लेकर बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं, क्योंकि इन दलों ने भी ब्राह्मणों को अपने पाले में करने के लिए सरकार बनने पर कई बड़े ऐलान तो किए ही हैं। साथ ही ब्राह्मण सम्मेलन के नाम पर उन्हें अपने पाले में खींचने की कोशिश हो रही है और विपक्ष इसमें सफल होता भी दिख रहा है, जिस कारण बीजेपी की नींद उड़ गई है। इसीलिए अब बीजेपी भी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की रणनीति पर चलती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी की तरफ से ब्राह्मणों को मनाने के लिए यूपी की सभी विधानसभाओं में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करने का ऐलान कर दिया गया है। 5 सितंबर से इस सम्मेलन की शुरुआत होगी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सहित पार्टी के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। तो बीजेपी के ऐलान से तो साफ हो गया है कि पार्टी को अब अपनी हार दिखाई देने लगी है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।